स्टूडेंट्स, सो टुडे इन अवर इंग्लिश क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नेहाज अलार्म क्लॉक। इसके वर्ड मीनिंग एंड बुक वर्क देखेंगे हम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके वर्ड मीनिंग से। सो सबसे पहला वर्ड मीनिंग है हमारे पास ना गर्ल्स, इट मीन्स सुस्ताना या आराम से लेटना, जिसको हम कडल भी कहते हैं, इनका सेम मीनिंग है। नेक्स्ट इज मटर्स, मीन्स बड़बड़ाना, मुँह में कुछ ना कुछ बोलते हैं ना हम, जब हम खुद कुछ भी चीज़ बोलकर एक्सप्रेस नहीं करते तो मुंह में बोलकर गुस्सा दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं मटर्स या ग्रम्बल। नेक्स्ट इज विंडो सिल, विंडो लेज भी कहते हैं, इसका मतलब होता है खिड़की की दहलीज। जैसे ये खिड़की है, इसके यहाँ पे जो दहलीज बनी होती है विंडो सिल या विंडो लेज बोला जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलैक्स, रिलैक्स मीन्स अनस्ट्रेन, मतलब आराम से, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में, तो अनस्ट्रेन एंड रिलैक्स सेम मीनिंग है। तो चलिए नेक्स्ट इसका बुक वर्क देख लेते हैं हम अब। तो रीडिंग इज़ फन, सबसे पहले हमारे पास जो बुक वर्क है, टिक राइट द करेक्ट आंसर, कहते हैं बिल्कुल सही आंसर के ऊपर आप टिक कीजिए। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग, हर सुबह नेहा का क्लॉक कितने बजे रिंग करता था। 6 o'clock, 6 बजे, कितने बजे, 6 बजे। नेक्स्ट व्हाट डिड द बर्ड से, तो बर्ड क्या कहते हैं, बर्ड क्या कहते हैं, वेक अप, उठ जाओ। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ इनसाइड यू टू मेक यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे, ऐसा क्या चीज़ है आप में जो हर सुबह आपको उसी टाइम पे उठा देता है। अवर बॉडी क्लॉक, हमारे शरीर में ही एक क्लॉक मतलब घड़ी लगी होती है जो हमें बिल्कुल सही टाइम पे उठाती है और हमसे उसी टाइम पे डेली काम करवाती है। नेक्स्ट है हमारे पास पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज़ बिन डन फॉर यू, कहते कुछ लेटर्स हैं उनको आपने राइट ऑर्डर में लिखना है, जो डन किया है वो है ये ILESM, इसको स्माइल बना दिया गया है। नेक्स्ट इज MRALA, इसको बनाएंगे अलार्म, अलार्म घड़ी का बजना, मतलब उसकी घंटी जो होती है घड़ी की बजने की, उसको अलार्म कहते हैं। नेक्स्ट इज क्लॉक, इसका हम बनाएंगे क्लॉक, OCKLC का बनाएंगे क्लॉक मतलब घड़ी। आगे नॉर्मिंग लिखा हुआ है, इसका बनाएंगे मॉर्निंग मतलब सुबह। आगे एडॉन्स लिखा हुआ है, इसका बनाएंगे स्नोड मतलब खराटे। नेक्स्ट इज वॉडविन लिखा हुआ है, इसको बनाएंगे विंडो मीन्स टू से खिड़की। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद से करना है भाई। देखिए लिसन टू द साउंड अराउंड यू व्हेन यू आर ऑन योर वे टू स्कूल, जब आप स्कूल जाते हो क्या सुनते हो आप, कौन कौन सी आवाज़ें। डिस्कस विद योर फ्रेंड द साउंड दैट यू हर्ड, और एक साइड पे आपने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। जैसे कि आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई होंगी इसमें, जिसमें कार्स के साउंड, जैसे आप जब जाते हो तो साथ में गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं ना, तो बच्चों के साउंड आते हैं, ठीक है। पेड़ वगैरह होते तो उनके लहलहाने की आवाज़ें आती है, चिड़ियों की आवाज़ें, माइक्स वगैरह की आवाज़ें, तो ये सारी आवाज़ें आप लिख सकते हो और फ्रेंड्स के साथ ये सब डिस्कस करते हो आप, तो ये भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ देर इज़ नो क्लॉक इन हाउस टू वेक अप इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप, कहते अगर घर में क्लॉक नहीं होगा तो आप कैसे उठोगे। विल यू कंटिन्यू टू स्लीप और आई विल वेक अप ऑन माय ओन, तो इन्होंने कहा क्या आप कंटिन्यूली सोते रहोगे, तो आंसर क्या दिया इन्होंने कि मैं अपने आप से उठ जाऊँगा बाय माय बॉडी क्लॉक, क्योंकि मैं अपने बॉडी क्लॉक की बेस पे अपने आप से उसी टाइम पे उठ जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे, कहते दिन के समय अगर हमें टाइम देखना है तो हम कौन कौन से डिफरेंट वेज यूज़ कर सकते हैं। रिस्ट वॉच, हमारे हाथों में जो घड़ी बांधी होती है उससे देख सकते हैं। वॉल क्लॉक, हमारे घर में वॉल्स पे मतलब दीवारों पे घड़ी लगी है वो देख सकते हैं। सर्टेन प्रोग्राम ऑन टेलीविज़न, हम देखते हैं ना कि 5 बजे भाई वो वाला सीरियल आएगा तो हमें वो देखने, 6 बजे वो आएगा तो उस हिसाब से भी हमें पता चल सकता है। मोबाइल फ़ोन तो आजकल हर एक किसी के पास है, किसी के पास टच है तो किसी के पास कोई है, तो इस तरह से मोबाइल फ़ोन पे टाइम ऑलवेज होता ही है। एंड सनलाइट, हमें पता चल जाता है कि भाई इतनी तीखी धूप है बिल्कुल सिर के ऊपर आ गई तो 12 बजे होंगे बिल्कुल, तो इस तरह से हम टाइम का पता लगा सकते हैं या फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या टाइम हुआ है। नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग है, आपने वर्ड्स को फाइंड आउट करना है इसमें से, जैसे मदर, बर्ड्स, क्लॉक, अलार्म, हैप्पी, मॉर्निंग, हॉलीडे, हंग्री, संडे। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये है हंग्री, ठीक है, बर्ड्स, क्लॉक, मदर, हॉलीडे, अलार्म, संडे, हैप्पी, मॉर्निंग, ये देखिए हमने ढूंढ लिए। नेक्स्ट इज से अलाउड, ऊंची आवाज़ में आपने बोलना, ये खुद से पढ़ना आप बेटा, बहुत इजी है ये, आपने खुद से ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ना ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स राइट हु सेड दिस वर्ड्स एंड टू होम किसने किसको कहे. सो सबसे पहला वर्ड है वेकअप डियर वेकअप फास्ट. किसने कहे थे ये वर्ड? बर्ड्स ने कहे थे. किससे कहे थे? नेहा से. भाई उठ जाओ जल्दी से. नेक्स्ट माँ हु वर्क मी अप टुडे मुझे आज किसने उठाया? किसने कहा था? नेहा ने. किससे पूछा था? अपनी मदर से. नेक्स्ट व्हाई डू यू स्लीप एट नाइट एवरी नाइट किसने कहा था? मदर ने नेहा से कहा था. यस तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यूज़ अ हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक वॉज और वर फिल करने हैं. बहुत ईजी है ये तो आप खुद से कर दोगे. सिंगुलर में वॉज आएगा एंड प्लूरल में वर आएगा. इट्स वेरी ईजी. राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर अच्छा प्लेयर था. द काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड वो फील्ड में क्या करती है? चरती थी. तो माई टॉयज वर क्योंकि टॉयज बहुत सारे हो गए ना ब्रोकन मेरे सारे खिलौने क्या हो गए? टूट गए. नेक्स्ट हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग हर फ्रॉक एक फ्रॉक है ना उसकी फ्रॉक क्या थी? बहुत लंबी थी. द मार्केट मार्केट क्या होती है? एक ही मार्केट है. ऐसे नहीं सोचोगे कि आप उसमें दुकानें होती है लेकिन मार्केट एक ही है ना. तो मार्केट वॉज क्लोज्ड ठीक है तो वॉज आएगा एक है. द चिल्ड्रन चाइल्ड का मतलब होता है एक बच्चा चिल्ड्रन का मतलब होता है बहुत सारे बच्चे. सो द चिल्ड्रन वर हैप्पी आएगा इसमें. द फ्लावर्स बहुत सारे फ्लावर्स अगर फ्लावर होता तो एक अगर फ्लावर्स हैं तो बहुत सारे. द फ्लावर्स वर कैप्ट इन द वास वास में रखे हुए हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम. लुक एट द पिक्चर बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ कहते हैं नीचे वाली पिक्चर को देखो एंड पैराग्राफ कंप्लीट करो. यू विल नीड दीज वर्ड्स कुछ वर्ड्स की आपको ज़रूरत होगी ठीक है. पुल्ड आउट इनसाइड कॉल्ड आउट बिहाइंड अंडर ये आप देख सकते हैं और इनके बेस पे आप कर सकते हैं इन वर्ड. चलिए देखिए इनको. सो आई लुकड डैश डोर आई लुकड बिहाइंड मैंने डोर के कहाँ देखा? बिहाइंड इट मीन्स पीछे देखा मैंने डोर के बिहाइंड द डोर. नेक्स्ट इज आई लुकड डैश अ कबर्ड कहते डोर के तो बिहाइंड कबर्ड के अंदर देखते हैं तो इनसाइड ठीक है. आई लुक डैश बेड बेड के अंडर नीचे होता है. आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर मैं कहीं भी नहीं ढूंढ पाई. आई कॉल्ड आउट किसको कॉल मैंने आवाज़ लगाई? आई कॉल्ड आउट मतलब होता है आवाज़ लगाना. मैंने किसको आवाज़ लगाई? शेरू अपने डोगी को. शेरू शेरू माई डॉग कम रनिंग टू मी अब मेरा डॉग था जो वो मेरी तरफ भागता हुआ आया. एंड आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक मैंने उसको कहा कि भाई मेरी बुक ढूंढो तो उसने ही पुल्ड आउट इसमें आएगा पुल्ड आउट मतलब खींच कर बाहर निकालना अनदर बुक फ्रॉम माई बैग. तो चलिए यहीं पे हमारा ये लेसन होता है कंप्लीट. नेक्स्ट इज वन टाइम है वो आप खुद से कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर टुडे एंड आपको कैसी लगी वीडियो ये आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में. एंड अगर आपने इसकी समरी देखनी है तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.